आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले, धरती और आकाश की दूरियों को निर्धारित करने वाले, समुद्र को स्थापित करने वाले सेनाओं के यहोवा, जीवित जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस सुंदर सुबह में मेरे खुदावन, मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का ये पावन समय दिखाने के लिए, शुभ समय दिखाने के लिए प्रभु जी, एक नई भोर, एक नई किरण दिखाने के लिए मेरे खुदावन, मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रभु जी, आज के इस भोर में प्रभु जी आपने हमें यह समय दिया कि हम आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी जय जयकार करें। मेरे खुदावन, मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर सुबह में मेरे पिता हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। हम सब मिलकर मेरे प्रभु जी आपके नाम की प्रभु जी तारीफ करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आप आदर और महिमा के योग्य हैं, आप प्रभु जी प्रशंसा के योग्य हैं, आप बड़ाई के योग्य हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरे पिता, आज के इस सुबह में मेरे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। मेरे खुदावन, मेरे पिता प्रभु जी, आप ही हमारे रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं, आप ही हमारी ढाल बनकर हमारे साथ साथ चलते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रभु जी, आप अपने दूतों को आदेश देते हैं कि वे हमारी रक्षा करें। जिस प्रकार प्रभु जी आपने मिस्र से इसराइलियों को छुड़ाकर लाए थे, मेरे पिता परमेश्वर, आपका दूत प्रभु जी इसराइलियों के आगे आगे चलता था। मेरे पिता परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु जी आपका दूत सदैव हर समय हमारे साथ रहता है, हमारे रक्षा करता, हमारे ढाल बनकर हमारी रक्षा करता, हमें अपने पंखों के आड़ में छुपाए रखता है। हम आपकी महिमा करते मेरे परमेश्वर जी। हे पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी, आपने हमें रात भर संभाला, आपने हमें आशीष दिया, हमें सुरक्षित सही सलामत हर एक संकटों से, हर एक बीमारियों से, जादू टोने की शक्तियों से, विषैले जीव जंतुओं से, पवित्र आत्मा जी आपने हमें बचा कर रखा। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे इज़राइल के परम पावन प्रभु जी, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं। मेरे प्रभु जी, भजन संहिता अध्याय 34 पद संख्या 21 में प्रभु जी आपका वचन कहता है कि धर्मी जन पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती है, किंतु आप उन्हें बचाते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आज आपके जीवन में विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं, तो प्रभु आज आपको बचाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन पर विपत्तियां तो आ सकती है, लेकिन यहोवा परमेश्वर उनको बचाएगा, उन विपत्तियों से उनको छुड़ाएगा। यदि आज आप विपत्तियों में, समस्याओं में, दुखों में, तो प्रभु आज आपको छुड़ाएगा। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु पूछता है कि तू क्या चाहता है। प्रभु जी, आज हम लोग चाहते हैं कि प्रभु जी आज हम चंगे हो जाए। प्रभु जी, आज हम चाहते हैं कि प्रभु जी आज हम गरीबी से आज़ाद हो जाए। प्रभु जी, आज हम चाहते हैं कि प्रभु जी हमारे जीवन से हर एक बंधन टूटने पाए। प्रभु जी, आज हम चाहते हैं कि प्रभु जी आज हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन आशीषित होने पाए। हे मेरे सेनाओं के यहोवा, मेरे प्रभु जी, हे मेरे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु जी आपने प्रभु जी अंधे को चंगा किया पिता, आपने लंगड़ों को चलाया मेरे पिता, आपने मुर्दों को जीवित किया, हे मेरे प्रभु जी, आज हम लोगों के जीवन में प्रभु जी अपना अनुग्रह, अपनी आशीष बरसा। हे मेरे पिता परमेश्वर, अपने दया दृष्टि कर। हे मेरे सेनाओं के यहोवा, मेरे प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी आज प्रभु जी बीमारी में पड़े हुए मेरे पिता, जो लोग प्रभु जी आज प्रभु जी कष्टों में पड़े हुए प्रभु जी, वे हर एक कष्टों से आज़ाद होने पाए, वे हर एक बीमारियों से आज़ाद होने पाए मेरे पिता, वे आपकी महिमा करने पाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे सेनाओं के यहोवा, मेरे प्रभु जी, वे प्रभु जी चंगे हो के प्रभु जी आपकी महिमा करें। हे मेरे पिता परमेश्वर, उन पर दया कर, उन्हें शुद्ध पाक कर दे मेरे खुदावन, जिस प्रकार प्रभु जी आप पवित्र हैं पिता, उन्हीं प्रकार उन्हें भी पवित्र कर दे। जो पिता परमेश्वर आज प्रभु जी पापों में पड़े हुए मेरे पिता, तो उन पर दया दृष्टि कर, उन्हें पापों से आज़ाद कर, उन्हें प्रभु जी हर एक प्रकार के गंदे आदतों से, गंदे व्यविचार से प्रभु जी आज तुम्हें निकाल दे मेरे पिता। प्रभु जी, बहुत सारे लोग प्रभु जी इन पापों से निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। हे मेरे प्रभु जी, तू दया कर दे, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू उन्हें प्रभु जी हर एक पापों से निकाल दे। हे मेरे प्रभु जी, धर्मी जन विपत्तियां में पड़ती है, लेकिन प्रभु जी आप उन्हें निकालते हैं। प्रभु जी, तू आपने चुने हुए लोगों को पहचानता है। प्रभु जी, उन पर दया कर, उन पर दया कर मेरे खुदावन, मेरे पिता प्रभु जी, तो उन्हें आज़ाद कर, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें चंगाई दे हर एक प्रकार की प्रभु जी समस्याओं से, हर एक प्रकार के दुखों से प्रभु जी, तो उन्हें आज़ाद कर। हे मेरे सेनाओं के यहोवा, मेरे परमेश्वर, आज जितने लोग भी प्रभु जी, आज जितने लोग भी प्रभु जी अपने कामों से, अपने प्रभु जी कोई भी योजनाएं बनाकर आज अपने घरों से निकलने वाले हैं, हे मेरे पिता परमेश्वर, तो उन पर दया कर, उनके सारी योजनाओं को, उनके कामों को तो सफल कर। हे मेरे प्रभु जी, तो उनके प्रभु जी हर एक कामों को आशीष दे पिता, आज जो भी करे प्रभु जी, उससे आपकी महिमा हो।
हे मेरे पिता परमेश्वर, उनके कामों पर प्रभु जी आप अपनी आशीष अपना अनुग्रह बरसाइए। हे मेरे प्रभु जी, उन्हें आज के इस दिन में प्रभु जी हर एक प्रकार की गंदे आदतों से, पापों से प्रभु जी, नशे से प्रभु जी, गलत संगति से प्रभु जी आज तू उन्हें बचा कर रख। हे मेरे पिता, तू उन्हें आशीष दे, तू उन पर अपना अनुग्रह कर, अपनी दया बरसा। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे प्रभु यीशु नासरी, तू उन पर दया कर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी, जब वो आज अपने घरों से बाहर जाए, खुदाबंद तू अपने दूतों को आदेश दे कि वे उनके साथ जाए मेरे पिता, और प्रभु जी उन्हें हर एक प्रकार की प्रभु जी ठगी से प्रभु जी तू उन्हें बचा कर रख। प्रभु जी, वे कहीं प्रभु जी ठगे ना जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, वे कभी लज्जित ना होने पाए। हे मेरे प्रभु जी, उन्हें हर एक प्रकार की प्रभु जी शर्मिंदगी से प्रभु जी तू उन्हें बचा कर रख। हर एक प्रकार की महामारियों से प्रभु जी आज तू उन्हें बचा कर रख। प्रभु जी, तू उन पर अपना अनुग्रह कर पिता, ताकि प्रभु जी ये जो कार्य भी करे प्रभु जी वो आपकी महिमा के लिए करे। उनका उठना बैठना चलना फिरना प्रभु जी आपको भाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, उनके मनों को तो शुद्ध कर, उनके विचारों को तो शुद्ध कर, ताकि प्रभु जी जब ये बाहर निकले अपने घरों से प्रभु जी, उनको सांसारिक चीज़ों पर प्रभु जी मन न लगे। हे मेरे पिता परमेश्वर, वे सांसारिक चीज़ों को प्रभु जी ना देखे हुए प्रभु जी उन सारी चीज़ों से भाग, और प्रभु जी वे आपकी ओर मन लगाए, आपके प्रभु जी वचनों की ओर मन लगाए। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करें मेरे पिता। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे सेनाओं के यहोवा, प्रभु जी आज जितने भी माता पिता हैं प्रभु जी आज तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं मेरे पिता। जिन परिवारों में पिता आज प्रभु जी गरीबी हैं, कंगाल हैं मेरे पिता, तो उन लोगों पर दया कर मेरे प्रभु जी। उनको प्रभु जी गरीबी से, चंगाई से, गरीबी से प्रभु जी आज़ाद कर। प्रभु जी जो लोग बीमार हैं उनको प्रभु जी बीमारों से आज़ाद कर, उन्हें चंगा कर, उनको प्रभु जी शुद्ध कर, उन्हें पाक कर दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे सेनाओं को यहोवा, हे मेरे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु जी, दाऊद के संतान मेरे पिता प्रभु यीशु नासरी, हम आपसे विनती करते हैं, तू दया कर दे मेरे खुदावन मेरे प्रभु जी। प्रभु जी आपने 38 वर्ष के रोगी को प्रभु जी बोला, तू क्या चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू चलना चाहता है प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु जी आज हर एक लोग प्रभु जी बीमारियों से आज़ाद होना चाहता है। प्रभु जी तू चाहता है कि हम लोग शुद्ध हो जाएं, हम लोग स्वस्थ रहें, हम लोग प्रभु जी हर एक कर्ज से आज़ाद होकर रहें, हर एक लोग प्रभु जी गरीबियों से आज़ाद होकर रहें मेरे पिता। आज तू दया कर, आज हम आपकी शरण में आए हुए हैं प्रभु जी, आप ही हमारे ढाल हैं मेरे पिता। प्रभु जी आप ही हमारी जरूरतों को, हमारी इच्छाओं को, हमारी घटी कमियों को प्रभु जी आप ही पूरा करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज के सुबह प्रभु जी तू दया कर प्रभु जी, आज ये जो भी कार्य कर प्रभु जी वो सफल होने पाए, उनकी योजनाओं को प्रभु जी तू सफल कर। हे मेरे पिता परमेश्वर, तूने हर एक प्रकार के दुश्मनों से प्रभु जी, हर एक प्रकार के एक्सीडेंट से प्रभु जी आज तूने बचा कर रख। मनुष्य केवल अपने मनों में विचार कर, लेकिन प्रभु जी तू ही उनके मार्गों को सीधा करता है। आज प्रभु जी ये घरों से जहाँ भी जाने वाले हैं मेरे पिता, तू उनके साथ रहे, उनके मार्गों को सीधा कर, और उन्हें सही सलामत उनके मंजिल तक लेके चल। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज के सुबह में हम उन सारे भाई बहनों को, माता पिताओं को आपके हाथों में देते हैं। हे मेरे इज़राइल के परम पावन पिता परमेश्वर, प्रभु जी तू सब कुछ करने वाला है, तेरे लिए कोई भी कार्य प्रभु जी असंभव नहीं है। जो लोग जॉब की तलाश में मेरे पिता, तो उन लोगों पर दया कर प्रभु जी, उनको रोजगार दे, उनको जॉब दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु जी, आज जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही मेरे पिता, प्रभु जी उनके घरों में प्रभु जी बारात आने पाए। हे मेरे सेनाओं के यहोवा मेरे परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, उन सारे भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं। हे मेरे प्रभु यीशु नासरी, हम आपसे विनती करते हैं मेरे पिता, जो लोग प्रभु जी आपके वचनों पर मन नहीं लगा सकते प्रभु जी, विश्वास में कमजोर हैं प्रभु जी, प्रार्थना नहीं कर पाते, हे मेरे पिता परमेश्वर तो उन पर दया कर, और प्रभु जी वे प्रार्थना करने पाए, आपके लिए समय निकालने पाए पिता, अपने कामों को प्रभु जी साइड में रख के प्रभु जी आपसे बातें करने पाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, तो उन सारे भाई बहनों पर, माता पिताओं पर तू दया कर, और प्रभु जी तू उन्हें अपनी उपस्थिति में लेके आ। हे मेरे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, और इन सभी प्रार्थनाओं को प्रभु जी आज के इस सुबह में हम मांगते हैं मेरे खुदावन, आज तू उन लोगों पर दया कर, उन्हें सही सलामत सुरक्षित जीवित रख। हम प्रभु यीशु के नाम से इन प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमेन।